हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के सामने खबर लेकर के आ चुका हूं। दरोगा भर्ती 2019-20 के सामने खबर लेकर के आ चुका हूं। 6130 पदों के लिए नोटिस जो जारी की गई थी कल, आपको पता होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर छात्रों के दिमाग में ये बैठ रहा है, क्योंकि जैसे 2016 के बाद आज 4 साल होने के हैं, इस बीच दरोगा भर्ती नहीं आई है, तो ऐसे कई छात्र होंगे जिनकी एज कहीं न कहीं अब निकल रही है। तो उनके सामने एक महाखुशखबरी है, जिन छात्रों की एज निकल रही है और इसकी परीक्षा कब हो सकती है, भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में, इस महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब दिस चैनल। जी हाँ, सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की दरोगा भर्ती के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन की ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों पर, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मित्रों, हम बता दें दरोगा भर्ती के लिए, जैसा कि आप लोग कल देखा होगा, एक नोटिस जो जारी किया गया है साइट पर, ये जो नोटिस आपकी है वो निविदा के समूह में, जी हाँ, आमंत्रित किया गया था, जो 20 कल डेट के जो है कल के डेट में जारी किया गया था। 6130 पदों पर चयन होना है। मैंने आपको बताया भी था कि 30 शिफ्ट में परीक्षाएं लगभग कराई जाएंगी, जो CBT बेस होगा, ऑनलाइन परीक्षा आपकी होगी, CBT बेस आपकी होगी, और 10,000 क्वेश्चन MCQ बनाने का भी जो है भर्ती बोर्ड के तरफ से सूचित किया गया है निविदा कंपनी को, जो भी निविदा कंपनी जो सेलेक्ट होगी उसके लिए। यानी आवेदन तो आमंत्रित कर दिया गया है, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि 10 से 15 दिन के भीतर भीतर ये सब प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी, है ना। ये सब प्रक्रिया यानी कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया जाएगा भर्ती बोर्ड के द्वारा। अब महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं, जो ये सीधी भर्ती दरोगा होनी है 2019 की 20 की, अब यहां पर चीजें ये निकल के आ रही है छात्रों के मन में, जिन छात्रों का एज 29 या 30 साल हो चुका है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अब उनके मन में ऊहापोह की स्थिति है आखिरकार हमारी एज निकल गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मित्रों, अब आप लोग निश्चित हो जाइए, आपके आयु की गणना, जी हाँ, 99% आपके आयु की गणना की जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो संबंध में चीज़ें आ रही हैं, कि वो 1 जनवरी 2020 से 19 से की जाएंगी, है ना। आपकी एज की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यानी 1 जनवरी 2020 तक आपकी आयु 21 साल हो जानी चाहिए, और 1 जनवरी 2019 तक अगर आपकी एज 28 साल तक है तो आप आज की डेट में भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 21 वालों के लिए थोड़ा खतरा है, लेकिन जिन लोगों का 29 साल एज हो चुका है उनके लिए अगर बात ये भी कहा जा सकता है कि अब उन्हें 30 साल तक, यानी जो 28 से वो 30 साल आपकी बढ़ा के कर दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग इस चीज़ को लिए अब निश्चित हो जाइए कि आपकी एज की गणना अब जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण चीज़ राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से आप तक पहुँचाई गई। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आवेदन तिथि स्टार्ट कब से होगी। तो मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि आपकी आवेदन तिथि 15 अगस्त के बाद ही हो पाएगी। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल मान लीजिए, और कोई भी चैनल आपको कुछ बता रहा है तो आप उसके बाद, जब 15 अगस्त के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, तो मेरे चैनल और अदर चैनल से आप कंपेरिजन कर लीजिएगा कि कौन ऑथेंटिक, कौन रियल न्यूज़ हम तक पहुंचा रहा था, राहुल वाईफाई स्टडी पहुंचा रहा था या फिर कोई और चैनल पहुंचा रहा था। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत से चैनल आपको 5 तारीख 10 तारीख बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के बाद ऑनलाइन आवेदन दरोगा भर्ती 6130 पदों के लिए आपसे लिए जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग, उम्र सीमा की बातें मैंने आपको बता ही दी। अब परीक्षा जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, घुड़सवार की परीक्षा जो आपकी होनी है या फिर जो आपकी उसके साथ की फायरमैन की परीक्षा होनी है, वो कहीं कहीं अब स्टैंड होकर 2020 नवंबर में पहुंच चुकी है, जो सितंबर में होनी थी। आपको पता होगा कोरोना काल को देखते हुए ये डेट जो है पोस्टपोन की गई और ये डेट स्टैंड करके अब पहुंच चुकी है नवंबर माह में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फायरमैन या फिर आपके जो है जुगाड़ की भर्ती होनी है, उसके पहले आपकी दरोगा भर्ती का लिखित परीक्षा यानी CBT नहीं होगा। तो संभावना ये जताई जा रही है कि परीक्षा आपकी जो होगी, लिखित परीक्षा CBT जो होगी, वो दिसंबर माह में कराई जाएगी। मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो दिसंबर में आपकी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। उसके पहले परीक्षा कराए जाने को लेकर के कोई भी प्लान नहीं है भर्ती बोर्ड का, और ना ही भर्ती बोर्ड इस चीज़ को करने में सामर्थ्य है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं कराया जा सकता है। अब बात कर ले मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी को लेकर के, तो भर्ती बोर्ड का कहना तो ये भी है कि 6 माह में हम पूरा कर लेंगे। यानी भर्ती बोर्ड तो ये भी कह रहा है कि 2018-19 से ही दरोगा भर्ती जारी कर रहा है, तो उसकी बात पर आप कितना भरोसा करेंगे। अब संभावना ये जताई जा रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2022 का चुनाव भी है। अब इसको देखते हुए ये मान के चलिए मार्च तक पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है, और जनवरी या फरवरी में इसका दौड़ भी कराया जा सकता है। इस चीज़ को लिए आप लोग ध्यान से तैयारी करिए, क्योंकि दौड़ की बात कर लिया जाए या फिर परीक्षा की बात करा लिया जाए तो एक महीना या फिर 2 महीना के पढ़ाई में आपका नहीं हो पाएगा। अभी जो 4 से 5 महीने बचे हुए हैं आप लगातार इस पर प्रैक्टिस करिए। और मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ आपको, डेली कम से कम एक से कम प्रैक्टिस सेट आप जरूर मत करिए, एक से ज़्यादा ही प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए डेली। बाकी और चीज़ें जो आपकी वीक हों उस पर पढ़ाई करिए, है ना। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आप तक पहुँचाई गई है राहुल वाईफाई टी चैनल के माध्यम से दरोगा भर्ती के संबंध में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए दरोगा भर्ती के संबंध में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।